जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्ट टेक्निक एंड साइंस में। और इस भाग में हम सीखेंगे गणित कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.3 का नौवा प्रश्न। अध्याय एक है और अध्याय का नाम है पूर्णांक, इंटीजर्स इन इंग्लिश। 9th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित को सत्य कथनों में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। समस्या है ऋण 3 गुणित खाली स्थान बराबर 27। ऋण 3 में कितने का गुणा करने पर 27 आएंगे धनात्मक? ऋण 9 का, है ना। हम इसको निकाल भी सकते हैं, माना कि x से गुणा करने पर 27 प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर x लिख लेंगे, फिर इसको हम सरल कर लेंगे, तो इस प्रकार ये ऋण 9 आ जाएगा। ये माना कि अज्ञात संख्या क है, ऋण 3 गुणित क बराबर 27। 27 को ऋण 3 से भाग कर दिया ये, तो ये आ गया ऋण 9, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9। नेक्स्ट, 5 गुणित खाली स्थान बराबर ऋण 35। तो 5 गुणित का बराबर ऋण 35, का को ऋण 35, का बराबर ऋण 35 में 5 का भाग कर दिया तो कितने आ गए? ऋण 7। तो ऋण 7 और 5 का गुणा करने पर ऋण 35 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से सी में खाली स्थान गुणित 8, ऋण 8 बराबर 56। तो हमने माना कि खाली स्थान में क आएगा, तो क गुणित ऋण 8 बराबर ऋण 56। अब 8 को इस तरफ भेज दिया तो ये हो गया क बराबर 56/8। 8 का 56 में भाग कर दिया तो आ गया ऋण 7, सॉरी 7, दोनों ही ऋण है ना, ये ऋण और ऋण 56 ऋण 8, तो ये आ गया 7। 7 गुणित ऋण 8 बराबर ऋण 56। इसी प्रकार से हम डी भाग को हल कर लेंगे, खाली स्थान गुणित ऋण 12 बराबर 132। तो माना कि खाली स्थान में एक्स आएगा, एक्स गुणित ऋण 12 बराबर 132। अब 12 को इस तरफ भेज दिया तो 132 में 12 का भाग हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे? ऋण 11। इस प्रकार से यहाँ पे ऋण 11 गुणित 12 हो जाएगा, जिनका गुणा होता है 132। दैट्स इट, इट इज दैट वाज 9th क्वेश्चन। वी विल मीट इन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन जय हिंद, लर्न विथ ट्रस्ट टेक्निक एंड साइंस। वंदे मातरम।